अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हाउ आर यू ऑल उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 104 जिसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर सिक्स फोर पार्ट टू जिसमें हम लोग ट्रांज़िशन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोग आयरन के बारे में स्टडी किया और आयरन की डिफरेंट टाइप्स देखी जिसमें कास्ट आयरन है विद द हाइस नंबर अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज़ एंड कार्बन कॉन्टेंट रॉट आयरन है विद द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज एंड कार्बन कॉन्टेंट और उसके अलावा स्टील है जिसके अंदर कार्बन कॉन्टेंट और इम्प्योरिटीज के अमाउंट इज़ इंटरमीडिएट नॉट वेरी हाई एंड नॉट वेरी लो तो जब हमने अभी रिसेंटली हमने स्टील के बारे में बात शुरू की है पहले रॉट आयरन की बात शुरू की थी कि किस तरह से रॉट आयरन को हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय यूजिंग द कास्ट आयरन तो ऑब्वियसली जब रॉट आयरन को प्रोड्यूस करना है कास्ट आयरन से तो हम उस टाइम पे कास्ट आयरन की अमाउंट के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना शुरू करते हैं और जब रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड अमाउंट निकल जाए इंप्योरिटीज़ की तो पीछे हमें मिल जाएगा रॉट आयरन तो उसके लिए हम जो स्पेशल फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द पटलिंग फर्नेस और इसके अंदर हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं अपनी इम्प्योरिटीज़ को जो कि वेस्ट गैसेस के तौर पर निकल जाती है या फिर कुछ इंप्योरिटीज स्लैग के तौर पर प्रेजेंट होती हैं उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं स्टील की तो स्टील वो आयरन की टाइप है जिसके अंदर द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर इंटरमीडिएट कार्बन कॉन्टेंट इंटरमीडिएट है यानी कि ना बहुत ज़्यादा है जैसे कि कास्ट आयरन में होता है और ना ही बहुत लो है जैसे कि रॉट आयरन के अंदर प्रेजेंट होता है स्टील के अंदर कार्बन कॉन्टेंट जो है जीरो पॉइंट टू फाइव से टू पॉइंट फाइव परसेंट होता है और इसके अंदर ट्रेसिस होते हैं सल्फर फॉस्फोरस सिलिकॉन और मैगनीस के स्टील को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था कि स्टील फर्दर डिफरेंट टाइप्स का है जिसके अंदर माइल्ड स्टील है जिसके अंदर कार्बन की अमाउंट सबसे कम है 0.1 से 0.2 परसेंट ऑफ कार्बन है ये सॉफ्ट है मेलिबल है डक्टाइल है और फोर्ज किया जा सकता है और इस वजह से ये ट्यूब्स नट्स बोल्ट्स बार्स और बॉयलर प्लेट्स के अंदर यूज़ होता है इसी तरह मीडियम कार्बन स्टील है जिसके अंदर 0.2 टू 0.7 परसेंट ऑफ कार्बन इज़ प्रेजेंट एंड इट इज़ आल्सो मेलियेबल एंड डक्टाइल एंड इट इट इज़ हार्डर एन दैट ऑफ द माइल्ड स्टील और अगर हम हाई कार्बन स्टील की बात करें दैट इज़ दर्ड टाइप ऑफ स्टील जिसके अंदर ज़ीरो से वन ऑफ कार्बन इज़ प्रेजेंट एंड इट इज़ हार्डर दैन द अदर टू दैट इज़ वाई इट इज़ यूज एंड द हैमर्स टैप्स डाइस कटिंग टूल्स और अदर मशीनरी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर भी हम लोग हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम स्टील को प्र... मैन्युफैक्चर किस तरह से कर सकते हैं तो ऑब्वियसली टू मेथड्स हैं बिकॉज स्टील एक इंटरमीडिएट फॉर्म में है ना ही इसके अंदर इंप्योरिटीज़ के कंटेंट बहुत हाई हैं और ना ही इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ के कंटेंट लो हैं तो ये इंटरमीडिएट हैं तो हम स्टील को दो तरीक़ों से प्रोड्यूस कर सकते हैं मैनुफैक्चर कर सकते हैं फर्स्ट मैथड क्या है कि जब हम कास्ट आयरन को लें और उसके अंदर से कुछ अमाउंट इंप्योरिटीज़ की रिड्यूस कर दें निकाल दें तो वो स्टील के अंदर स्टील बन जाएगा या फिर सेकेंड मेथड है कि जब हम रॉट आयरन ले लें और उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड अप कर दें तो वो भी स्टील बन जाएगा तो इस पूरे प्रोसेस को उस पूरे मेथड को अगर हम आ, बन, अप्ली, अ, अप्लाई करें तो देर आर टू प्रोसेस ओपन हर्थ प्रोसेस और बेसमर्स प्रोसेस ओपन हर्थ प्रोसेस मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में आपको बताया कि ओपन हर्थ प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग कास्ट आयरन स्टील के स्क्रैप्स और लाइम लेते हैं और इसके अंदर दो किस्म की लाइनिंग है एसिडिक लाइनिंग और बेसिक लाइनिंग और किस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है ऑक्सीडाइज हो जाती हैं इंप्योरिटीज़ फिर सिलिकॉन के साथ मिलके सिलिकेट्स या फिर स्लैग बना देते हैं फ्लोट्स ऑन द सरफेस और उसको फिर रिमूव किया जाता है और उसके अलावा जो सल्फ़र और फॉस्फोरस हैं ये भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी ऑक्सीडाइज़ होकर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर यह अपना सेपरेट फ्लैग बना देते हैं और इनको भी रिमूव किया जाता है उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब कार्बन रेगुलर इंटरवल पे स्टील को चेक किया जाता है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन को और जब उसकी परसेंटेज जीरो पॉइंट वन तक रह जाए तो उसके अंदर फेरा मैगनीज़ यानी आयरन मैगनीज़ और कार्बन को ऐड किया जाता है आयरन उसका आयरन कंटेंट को इंक्रीज़ करने के लिए मैगनीज़ इसलिए डाला जाता है ताकि हम उसके अंदर मौजूद सल्फर को डीसल्फराइज कर सकें और कार्बन इसलिए डाला जाता है कि कार्बन की अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज किया जाए तो उस कुछ इंटर, देर के बाद दोबारा से थोड़ी अमाउंट फरोमैगनीस की डाल के तो आ, स्टील जो बना है हमारे पास उसको माउल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे ये सॉलिडिफाई होती है तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस था मैंने आपको बताया इट टेक्स प्लेस इन टेन आवर्स और इसके अंदर हमें दो मेन प्रोडक्ट्स मिले एक स्टील जिसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस को कैरी आउट किया गया था सेकेंडली हमें मिलता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है इसीलिए उसको सॉलिडिफाई किया जाता है उसको पाउडर फॉर्म में ग्राउंड किया जाता है और उसके बाद उसको सेल किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र तो ये पूरा प्रोसेस जो फर्स्ट प्रोसेस था उसका मैंने आपको ब्रीफ रिव्यू दे दिया आज हम ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन लेंगे बेस्मर प्रोसेस क्या होता है और नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेल में स्टडी किया जाएगा कि बेस्मर प्रोसेस होता क्या है तो मैंने आपको कहा कि बेसमर प्रोसेस देर वर टू मेथड्स टू यूज़ पहला वाला था ओपन हार्थ प्रोसेस ओपन हार्थ प्रोसेस वो प्रोसेस है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में था है मैक्सिमम जगहों पे स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए ओपन हार्थ प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर ओपन हार्थ प्रोसेस के अंदर हम लोग कास्ट आयरन रॉट आयरन और उसके अलावा स्टील स्क्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम लोग बात करें बेसमर प्रोसेस की तो इट इज़ लेस कॉमन देन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दी ओपन हार्थ प्रोसेस और यहाँ पे ये लेस कॉमन है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कास्ट आयरन को ही यूज़ किया जाता है टू फॉर्म द स्टील इसके अंदर रॉट आयरन नहीं इस्तेमाल हो सकता या बाकी को कोई और मटेरियल uh, को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता टू प्रोड्यूस स्टील हेयर ओनली कास्ट आयरन या फिर जैसे हम लोग कहते हैं पिग आयरन उसको ही इस्तेमाल किया जाता है कास्ट आयरन यहाँ पे जो मौजूद होता है आप जानते हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट मैक्सिमम कंटेंट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इनसाइड द कास्ट आयरन आउट ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ आयरन तो ऑब्वियसली जब हम इस कास्ट आयरन को यूज़ करेंगे बेसमर के प्रोसेस में तो इसके अंदर से जो मौजूद इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा उनको ऑक्सीडाइज़ करना पड़ेगा और उनको ऑक्सीडाइज़ करने के बाद रिमूव करना पड़ेगा तभी हम कास्ट आयरन से स्टील को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो जो बेसमर प्रोसेस है इट इज़ नॉट वेरी कॉमन नाउ डेज बट इट इज़ यूज इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बेसमर प्रोसेस जो है इट इज़ ऑल कैरिड आउट इट इज़ नॉट कैरिड आउट इन साइड अ फर्नेस लाइक दैट ऑफ द ओपन हार्ट प्रोसेस बल्कि यहाँ पे एक स्पेशल कन्वर्टर यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज बेसमर्स कन्वर्टर बेसमर्स कन्वर्टर, इट एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ पियर शेप वैसल पियर शेप लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस इस तरह की वैसल बनी हुई है और उस वैसल के अंदर इस तरह की वैसल है इस शेप की और उस वैसल के अंदर डिफरेंट प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है टू कन्वर्ट द कास्ट आयरन इन टू द स्टील तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फरनेस

क्यों है इंस्टेड ऑफ लाइक दिस स्टैंड सेंट्रल एक्सेस इसलिए है ताकि हम इस आ, जो कन्वर्टर है इसको इसकी पोजीशन को चेंज कर सकें इसको सीधी पोजीशन में रखना है उस तरह से रख सकें या फिर ज़रूरत पड़ने पे इसको टिल्ट किया जा सकता है इन एनी डिज़ायर्ड पोजीशन। टिल्ट करने का मतलब क्या है कि जब आपने इसके अंदर कास्ट आयरन को रखना है फॉर चेंजिंग इट इनटू स्टील तो टिल्ट करके उसके अंदर कास्ट आयरन को इंसर्ट किया जाता है इंसर्ट किया जाता है और या फिर अगर आपको प्रोडक्ट्स जो फाइनल बने हैं यानी कि स्टील जो बना है अगर आपको उसको निकालना है तो आप तब भी इसको टिल्ट करें और टिल्ट करने के बाद आप इजीली इसके अंदर से अपना जो फिनिश्ड मटेरियल है उसको निकाल सकते हैं और जो कास्ट ये बेसमर कन्वर्टर है इसके अंदर हैवी अमाउंट ऑफ कास्ट आयरन इज़ यूज दैट इज़ अबाउट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी टन्स ऑफ कास्ट कास्ट आयरन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस फर्नेस और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टील के अंदर तो ये था मेरा आज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द बेसमर प्रोसेस हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बेसमर प्रोसेस को इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर तो उम्मीद है आपको मेरे आज के लेक्चर की समझ आई हो अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माई नेक्स्ट लेक्चर